और अभी तो नया नया एक मुद्दा आया है, एक कोई किरण पटेल हैं, वो जेड प्लस सिक्योरिटी लेके जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। बताया जाता है मोदी जी के और अमित शाह जी के काफी क्लोज हैं वो। तो काले धब्बे और काले टीके, अडानी जी का जो पोस्टर अभी आज तक पर चल रहा है, इसको पहुंचने की पूरी भरसक कोशिश हो रही कि किस तरह से इस पोस्टर पे जो पीछे अडानी लिखा है इसको पहुंचा जाए। देश में सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है और धब्बे ढूंढ रहे हैं मोदी साहब। कितने धब्बे चले, आईएसआई जांच करने आती है, आप उसको भी क्लीन चिट देते हैं, चीन को क्लीन चिट देते हैं, चाइना घुसकर बैठता है, हमारे तमाम इंडेक्स में हम नीचे चले जाते हैं, 6.5 करोड़ लोग भुखमरी में इंडेक्स में नीचे चले जाते ठीक है हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी आलोक आप जी, देखिए कि किस तरह से मजदूरों के सुसाइड रेट बढ़ जाता है, एक से बढ़ के एक है, ठीक है महंगाई से लेके आलोक बेरोजगारी जी, से लेके। और मोदी जी को एक व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को बचाने के लिए एक कॉन्क्लेव में जाकर 9 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बाद भी आज भी कांग्रेस को ही कोसना पड़ता, ये बहुत बड़ा धब्बा है। और आलोक जी, सबसे बड़ा धब्बा अंजना जी, वो टेली प्रॉम्प्टर है जिसको पढ़ के मोदी जी बोलते हैं, वो बंद हो जाए ना तो सारे धब्बे बंद हो जाए। आलोक टेली जी एक बात प्रॉम्प्टर पे लिख बताइए, के लाइए और बोल के पढ़ दीजिए। आलोक जी एक बात बताइए, ये जो राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा, रिएक्शन की बात वो कर रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन कांग्रेस पार्टी चाहती है विदेश में? मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे कर रही हूं, प्लीज उसका स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए उसी अंजना शब्द को जी, लेके बीजेपी हो तमाम अन्य लोग हैं लटके हुए हैं। आखिर क्या कहना चाह रहे थे जब वो कह रहे थे कि अमेरिका और यूरोप को रिएक्ट करना चाहिए? रिएक्ट मतलब क्या करें वो? देखिए रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है। मतलब उन्होंने कांग्रेस ये तो पार्टी नहीं की कहा क्या कि हमारे उम्मीदें हैं, लोकतंत्र कैसे को आकर ठीक रिएक्शन कर। की? एक मिनट अंजना जी, मैं उत्तर दे रहा हूं, अंजना जी टू द पॉइंट उत्तर दूंगा, कहीं भागूंगा। ठीक, उन्होंने स्पेशली कहा दिस इज आवर इंटरनल प्रॉब्लम, दिस इज आवर प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम ऑफ आवर 140 करोड़ पीपल एंड द सॉल्यूशन विल कम फ्रॉम इनसाइड। अब मुझे बताइए कि भाई किस तरह की मदद मांगी गई। अब हम मदद की बात करते हैं, भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, क्या हमने रशिया से मदद नहीं ली थी? हम तमाम तरह के अपने चीजों को अच्छा करने के लिए, तमाम बॉर्डर मैनेजमेंट की चीजों को, सर्विलेंस के लिए इसराइल से मदद नहीं मांग, क्या एफडीए के लिए तमाम देशों से मदद नहीं मांगी जाती? पहला चीज। लेकिन